Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Today, we are going to read another part of the lesson that is fundamental rights. Today, we are going to discuss another fundamental right that is right to education. Right to education, and it is mentioned from Article 29 to 30 of the Indian Constitution. So, as far as Article 29 of the Indian Constitution is concerned, it says protection of interest of minorities. Okay, it says protection of interest of minorities. तो आर्टिकल ट्वेंटी नाइन सेज दैट वी शुड प्रोटेक्ट द माइनॉरिटीज देयर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन देयर लैंग्वेज देयर रिलीजियस बुक्स देयर एजुकेशन एटसट्रा ठीक है इसके बाद हमारा एक और आर्टिकल है दैट इज आर्टिकल थर्टी वट आर्टिकल थर्टी दैट इट सेज राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेबलिश एंड एडमिनिस्टर सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ओके राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट सर्टन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो इसका मतलब ये है कि इंडिया में माइनॉरिटीज अपने इंस्टीट्यूशन खोल सकती है और इनको खुद चला भी सकते हैं और इनमें अपने लोगों को तालीम भी दे सकते हैं पर्टिकुलरली माइनॉरिटीज तो अगर हम मुस्लिम की बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मुस्लिम तालीम हासिल करते हैं इसके बाद अगर हम सिक्स की बात करें गुरु तेज बहादुर कॉलेज ठीक है तो दिस इज अबाउट राइट टू तो एजुकेशन नाउ वी आर गोइंग तो टू डिस्कस अबाउट अनदर फंडामेंटल राइट दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज ओके ओके राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज एंड इट इज मेन्शनड इन आर्टिकल थर्टी टू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज इज मैंशनड इन आर्टिकल थर्टी टू ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो अगर हम आर्टिकल थर्टी टू की बात करें इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज सोल एंड हार्ट सोल एंड हार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सोल एंड हार्ट ठीक है तो आर्टिकल थर्टी टू जो है इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय बी आर अम्बेडकर ठीक है बी आर अम्बेडकर ओके आर वी कैन से बी आर अम्बेडकर डिस्क्राइब्ड आर्टिकल थर्टी टू एज द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो व्हाट इज दिस आर्टिकल थर्टी टू अंडर आर्टिकल थर्टी टू ऑलरेडी वी हैव डिस्कसड अबाउट आर्टिकल फिफ्टीन ओके वी हैव डिस्कसड अबाउट आर्टिकल सेवनटीन वी हैव डिस्कसड अबाउट आर्टिकल ट्वेंटी थ्री वी हैव डिस्कसड अबाउट आर्टिकल ट्वेंटी फोर वी हैव डिस्कसड अबाउट आर्टिकल ट्वेंटी सेवन ठीक है वट इज द केस इज दैट All the citizens what article 32 says that all the citizens of India have right to go to the Supreme Court of India. ठीक है जो भी citizens इंडिया में रहते हैं दे हैव राइट उनके पास हक हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास जा सकते हैं इन केस ऑफ वायलेशन इन केस ऑफ वायलेशन ठीक है अगर इनको लगता है कि इनके साथ ज्यादती हो रही है इनके साथ न्याय हो रहा है तो इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 32. टू रिमेम्बर दिस पॉइंट दैट अंडर आर्टिकल 32, इफ एनी सिटीजन ऑफ इंडिया थिंक्स दैट हिज राइट आर बींग वायलेटेड ही हैज राइट टू गो टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अंडर दिस आर्टिकल थर्टी टू तो इसके बाद एक और बात याद रखिये एंड द सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर है टू इशू फाइव टाइप्स ऑफ रिट्स इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट तो इन केस ऑफ फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि वो पांच किस्म के रिट्स इख्तियार में ला सकता है ठीक है तो रिट्स क्या है रिट्स तो अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें अंडर 32 और हाई कोर्ट की बात करें अंडर आर्टिकल 226 ओके अंडर आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट कैन इशू द रिट्स ओके एंड हाई कोर्ट कैन इशू द रिट्स अंडर आर्टिकल 20 226 नाउ व्हाट आर दीज फाइव टाइप्स ऑफ रिट्स दे आर हीबस कॉर्पस

so you have to remember these writs number one is habeas corpus mandamus certiorari quo warranto and prohibition inshallah i will make separate video on these writs i hope fundamental rights are clear to all of you this was the last video lecture about fundamental rights thanks have a nice day